हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कभी कभी ऐसी मूवीज भी देखनी चाहिए यार, जो मतलब बिल्कुल भी ग्रेविटी डिफाइंग ना हो, मतलब फिजिक्स के जो लॉ है उनकी माँ बहन ना करे एंटरटेनमेंट के नाम पे, और मूवी अच्छी और रियल बनाने के नाम पे गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे, जो अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। आई थिंक आशुतोष गोवारिकर की जितनी भी बैकड अप मूवीज हैं, चाहे एज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, इस तरीके की रही हैं, जो कुछ ना कुछ एक तो लेसन देती हैं, या तो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती हैं, या फिर कुछ ऐसे ह्यूमन इमोशन के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे स्वदेश के, भारत माता के लिए क्या करना चाहिए, और जो जिस तरीके से वो निकालते हैं इमोशंस, वो काफी बढ़िया है। हालांकि ये वाली मूवी उन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं करी है, बट कमिंग फ्रॉम हिज हाउस मीन्स दैट द कॉन्टेंट इज रीजनेबल, एंड ही स्लाइटली, जैसे कहते हैं ना, बैड पैच से वो थोड़ा सा खुद पर्सनली गुजर रहे हैं एज डायरेक्टर, तो एक पॉज लेना जरूरी होता है, किसी और को फ्रंट सीट देना कई बार जरूरी हो जाता है, जस्ट टू रीजुविनेट योर एनर्जीज बैक एंड बाउंस बैक स्ट्रांग। तो एक मूवी आ रही है दोस्तों, तुलसीदास जूनियर, और इसका ट्रेलर मैंने देखा, और इस ट्रेलर में इतनी जान है, इतनी जान है। आपको पहले तो जो शिकायतें हैं कि भाई बॉलीवुड में क्या सिर्फ रीमेक्स बनते हैं, पहली बात तो हर मूवी रीमेक नहीं होती है, पता नहीं ये जबरदस्ती का टैग मत लगाएं, बॉलीवुड को जनरलाइज ना करें हम, तो अच्छी मूवीज भी बनती हैं। यहाँ पर वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स इज बैकिंग दिस मूवी एज अ प्रोड्यूसर, टी सीरीज के भी पैसे इसके अंदर लगे हुए हैं, सो दे आर प्रेजेंटिंग द मूवी, तो बढ़िया है। और जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है, दैट राजीव कपूर, ही इज नो मोर विद अस, बट यहां पर उनकी एक्टिंग प्रोवेस दिखती है। ही वॉन्ट्स टू विन अ टूर्नामेंट फॉर हिज सन, ठीक है, और ये सन का जो रोल है वरुण ने किया है, काफी बेहतरीन उसने काम किया है। अगर आप सिर्फ 1-1.5-2 मिनट के ट्रेलर के अंदर ही समझ जाएंगे कि सब एक्टर्स ने कितना जबरदस्त काम किया, तो वो इस बच्चे के लिए टूर्नामेंट जीतना चाहता है स्नूकर का, और क्या वो जीत पाता है दिलीप ताहिल से, जो कि एंटेगनिस्ट है, यही सारी मूवी फॉर्म करती है। और कहीं ना कहीं ट्रेलर में हमें बता दिया जाता है कि वो नहीं जीतता है, जिसको फिर आगे लेके जाया जाता है स्टोरी के अंदर, वहां पर संजय दत्त की एंट्री होती है, वो कैसे इस बच्चे को ट्रेन करते हैं, और ये जो बच्चे की भावना है टू विन द टाइटल फॉर हिज फादर वो इज लॉस्ट द गेम, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चों को ये लेसन देना चाहते होंगे कि फैमिली जो है वो एक बॉन्ड होती है, सबकी एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्यार होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं यार बड़ा वेस्टर्न होता जा रहा है कल्चर, टू ईच इट्स ओन हो गया, बच्चे अपने रस्ते हैं, हम अपने बच्चे, जब इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो शेयरिंग होती है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, वही यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट होता है बहुत अच्छे तरीके से। और अच्छा लगा कि एक ऐसा स्पोर्ट को लिया है जो हम ने नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, हम फुटबॉल के ऊपर बहुत कुछ देख चुके हैं, क्रिकेट के ऊपर तो भर भर के आज भी आता रहता है, जर्सी भी आने वाली है, और काफी और भी क्रिकेट के ऊपर एक दो और मूवीज बन रही हैं, बैडमिंटन के ऊपर बन चुकी है, ठीक है, चेस के ऊपर बन चुकी है, बट लेकिन जो चीज़ हमने नहीं देखी है, शायद स्नूकर पे नहीं देखी है। और जिस तरीके का नरेटिव है यहाँ पर, स्पेसिफिकली संजय दत्त का, जैसे वो एक्सप्लेन करता है कि इस गोटी को वहाँ कैसे डालने का, इस बॉल को वहाँ कैसे डालने का, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लगा। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, 1-2 मिनट के ट्रेलर के अंदर अगर आप इमोशनल हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी मूवी के अंदर कितना अच्छा समा बांधा जाएगा। पूरा गाना नहीं है, लेकिन जो गाने के थोड़े थोड़े शब्द आते हैं एको करती हुई आवाज़ के अंदर, वो काफ़ी जो माहौल है, इमोशनल माहौल है, उसको इंसैचुएट करते हैं, तो लग रहा है कि म्यूज़िक भी अच्छा होगा इसके अंदर। तो और टी सीरीज के ऊपर ही आएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर हुए हैं तो टी सीरीज के पास ही होंगे म्यूजिक राइट्स भी, तो अच्छी लग रही है मूवी। और जो भी संजय दत्त के फैंस हैं, काफ़ी टाइम से मिस भी कर रहे थे संजय दत्त को, वो देखेंगे। वरुण जो है लड़का, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग लग रही है। देन फ्यू पीपल वुड वॉन्ट टू गिव ट्रिब्यूट टू राजीव कपूर, जिन जो भी उनके फैंस रहे होंगे, कपूर खानदान के फैन रहे होंगे, वो भी ट्रिब्यूट देना चाहते होंगे। और जो भी नॉर्मल मूवी लवर्स हैं, जो ये सोचते हैं कि द गेम इज नॉट ओवर फॉर बॉलीवुड येट, इट वॉज अ बैड फेज, एंड फ्यू पीपल हु आर जस्ट फॉलोइंग दिस इजी पाथ ऑफ मेकिंग रीमेक्स, उनको छोड़ के जो अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, जो ओरिजिनल कॉन्टेंट दे रहे हैं, उसके पास जाएंगे और उनकी मूवीज को जरूर सपोर्ट करेंगे और देखेंगे भी। और ये ऐसा एक फैमिली एंटरटेनर लग रहा है, जो कि एक सरप्राइज हिट हो सकता है। मेरे को तो 2-2.5 मिनट के ट्रेलर के अंदर ही बहुत ज़्यादा दम लगा, बाकी आप भी देखो और उसके बाद फिर ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। गूगल कर लेना, यूट्यूब पे चले जाना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये ट्रेलर, तुलसीदास जूनियर, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। जाते जाते अगर मुझे इसको स्कोर करना हो, तो इट्स ए स्कोर फ्रॉम माई साइड, थम्स अप, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।